व्यक्तियों का राज है, जैसे हमारे टेनी महाराज रेखा वर्मा, राजेश वर्मा, ब्रजभूषण, प्रतीप भूषण, बामन सिंह, तिरपन सिंह, राम फेरन जी, पलटू राम, दत्तन मिश्रा, चौधरी वर्मा, अचेबल लाल गौड़ जी, सरोज शंकर, भैया सुरेशर सिंह, निर्मल विधायक रोमी सहानी और हमारे सुनील बाबा अनिल बाबा, क्यों बिहार सिंह साहब, आपने सुना होगा कि चावल में मिलावट पा सकते हो, और क्या कहते दाल में मिलावट पा सकते हो, हर चीज में मिलावट पा सकते हो साहब, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कोई मिलावट नहीं पा सकते हो। तो तुम प्रधान जी के सपोर्टर हो जी, कैसी है देखिएगा, हाँ चल दिए ड्यूटी कर, तुमने बताया कोई घोटाला नहीं, हमारे प्रधान जी के बारे में बड़ा तारीफ किया जा रहा है, क्यों मैं क्या प्रधान जी ने तुझे कुछ खिला तो नहीं दिया? अरे नहीं सर, वो तो मैं जानता हूँ कि मेरा नाम चड्ढा भी है। अच्छा, ये बात खुशी धोखे से ही थे, धोखे से आ जाता है। वैसे कितना खा लेते हम यहाँ से? अरे साहब, ये समझ लीजिए कि बाबू जी का तो क्या इतना कड़क है सर, तो नमक कितना कड़क होगा? कड़क होगा क्या भी हिम्मत से, ये 10-5 हजार खाते, 10-5 हजार खाते हो? खाते नहीं सर। फिर क्या करते हो साहब? ये समझ लीजिए कि 10-5 हजार कुछियों के होटल पे ले जाते हैं सर, उसको बैंक में डायरेक्ट डलवा देता हूँ। क्या कहा, जेल में होगा, बैंक में होगा, जब ही तो खाएगा उल्लू का पट्टा। क्या तू मुझे नहीं जानता है? मैं जानता हूँ सर, आप कितने महान डीलर हैं, कितने अच्छे डीलर हैं साहब। अच्छा, आप ही तो हैं अंग्रेजों के जमाने के सड़क। क्या कहा बे, मैं सड़क हूँ या कड़क हूँ? हाँ साहब, कड़क चाय की तरह कड़क है साहब। वो जिस थाने में जाते हैं हंगामा कर देते हैं साहब। हाँ, मुश्किल से 3 दिन टिकते हैं, चौथे दिन फटाफट ट्रांसफर हो जाता है साहब। क्या कहा, 3 दिन रुकते हैं, चौथे ट्रांसफर हो जाता है? हाँ सर। क्यों हो जाता है सर? इसलिए हो जाता है, हर जिले में हर थाने में आपकी तरक्की चलती रहती है साहब। तरक्कियाँ चल रही है? हाँ सर, आप नेक मास को छोड़ते नहीं, बदमाश के करीब आप जाते नहीं साहब। ओ सर, इसीलिए तो हर जिले हर थाने में तरक्की चल रही है। क्या कहा, नेक मास को छोड़ते नहीं, बदमाश के करीब जाते नहीं, इसीलिए हर थाने में तरक्की चलती है। क्या मैं बदमाश से डरता हूँ? तुम हमारे प्रधान जी के सामने हमारी इज्जती करते हो, क्या मैं बदमाश से डरता हूँ? नहीं साहब, डरते कहाँ, केवल तुम दबा के आप फरार हो जाते हैं। शट अप साले उल्लू का, मैं तुम दबा के भाग लेता हूँ, क्यों भागता हूँ? साहेब पकौड़ा सिंह, साहेब पकौड़ा सिंह, नहीं पक्का सिंह, अरे पक्का सिंह बोला कर हराम खोर, पकौड़ा सिंह बोल रहा है। साहेब का ना मारो, ना हल्का मारो साहेब। क्या बे, क्यों भाग लेता हूँ? चढ़ा इतनी ड्यूटी ले साहेब, वो ड्यूटी निभा रहे हैं। सर वो क्या है कि मुर्गी पकड़ने के लिए साहब। क्या कहा, मैं मुर्गी पकड़ता हूँ? नहीं सर, मुलजिम पकड़ने के लिए सर आपको तो दौड़ भाग की जरूरत पड़ती है साहब। ओ, क्योंकि मुलजिम पकड़ने के लिए दौड़ भाग करना पड़ता है क्या? और साहेब, मुझे लगता है तू बार बार उल्टी सीधी बात करता है, मुझे लगता है तू पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे सर क्यों? हाँ साहेब, काफी पढ़ा लिखा हूँ। चल दिए ड्यूटी कर, क्या बाप का राज समझते हो? सरकार की तनख्वाह खाओगे सारे हिंदू का पट्टा, रोटी तोड़ोगे सर, मुझे पढ़ा लिखा नहीं लगता है। अरे हम भैंस बेच के पढ़े क्या साहेब? सारे मैं भैंस की बात कर रहा हूँ, घर मकान सब ये डाला पढ़े कारण साहेब। ओ एमबीए बीए पास है साहेब। अच्छा, एमबीए बीए पास कक्षा 1 में फेल, सत्यानाशी फार्म चलना है, जहाँ बच्चे ने ट्यूशन क्या कहा, एमबीए बीए पास होकर कक्षा फेल हो गए? हाँ साहेब। नौकरी कैसे मिल गई? खानदानी सर, खानदानी नौकर। हाँ साहब। क्या तेरा बाप डीएम था? हाँ वो थे साहेब। क्या तेरी माँ क्या कमिश्नर थी? हाँ वो भी थी साहेब। क्या थी बे? माँ थी सर, डीएम नहीं थी। माँ थी, डीएम नहीं थी। क्या बे हिम्मत सिंह? हाँ साहेब। और ये देखिए मजनू, ये मजनू से भी पूछताछ करिए, ये क्या कहना चाहता है, अगर प्रधान जी के बारे में सपोर्ट चाहता है तो सपोर्ट करा ले, वरना इसको तो उम्र कैद की सजा होने वाली है। दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। अच्छा, जंगल